नमस्कार भारतवासियों, सुप्रभात और जय माधव। तो मैं हूँ रोशन, फिर से अपने चैनल डिफिकल्टी टू क्रिएटिविटी यानी कि कठिनाई से रचनात्मकता। तो अगर आपके जीवन में दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, कठिनाइयां हैं, तो उनसे घबराइए मत, उनका सामना कीजिए, क्योंकि अगर आप उनका सामना करते हैं तो तरक्की है, कामयाबी और हौसलों की उड़ान है और आपके हर सपने पूरे हैं। दोस्तों, थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा कि कचरे का बिजनेस या कचरे से बिजनेस सुनकर ही बड़ा अजीब लगता है ना आपको। लेकिन मैं हमेशा से इसी तरह के क्रिएटिव वीडियोस आप लोगों के लिए इसीलिए लेकर आता हूँ ताकि आप लोग भी ये जान सकें कि बिजनेस कहीं किसी किताबों में या किसी प्रकार के स्कूल इंस्टीट्यूशन से नहीं, आम जिंदगी में हमारे आसपास की जो वातावरण है, जो एनवायरमेंट है, वहीं से बहुत कुछ उनके आइडियाज लिए जा सकते हैं। दोस्तों, आपको पता है इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस वक्त क्या है? आप लोग सोचते होंगे पॉपुलेशन, फूड। जी नहीं दोस्तों, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है क्लीनलीनेस और सैनिटेशन यानी साफ सफाई। अब साफ सफाई की जब हम बात करते हैं तो दोस्तों, क्या आपको पता है कि ऑन एन एवरेज एक घर, एक मिडिल क्लास फैमिली या लोअर क्लास फैमिली से एक डब्बा भर के कचरा डेली घर से निकलता है। चाहे वो कुछ भी घर का सामान हो, मसाले हो, खाने पीने का सामान हो, वो जिस प्लास्टिक बैग्स में पैक होकर आता है, ऐसे डब्बे के डब्बे रोज कितने घरों से निकलते हैं? लगभग हर घरों से। सोचिए, गांव से, शहर से, पूरी सिटी से, पूरे हिंदुस्तान से कितना निकलता होगा। तो इस वक्त सबसे बड़ी प्रॉब्लम है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट। तो आज का ये जो वीडियो है, इसमें आपको दो बातें सीखने को मिलेंगी कि एक तो कचरा कचरा नहीं होता है, कचरा भी एक प्रकार का प्रोडक्टिव मटेरियल है, उसमें से भी आप कई प्रकार के बिजनेस के आइडियाज ढूंढ सकते हैं। दूसरा, किस तरीके से हमें अपने शहर या अपने देश को क्लीन रखना है। तो इस बंदे का नाम है अश्वथ हेगड़े। मैं बहुत इंस्पायर हूँ इस बंदे से कि क्या क्रिएटिव बंदे। अधिकतर क्रिएटिव बंदे न जाने क्यों आपको साउथ इंडिया में मिलते हैं, सबसे ज्यादा एनर्जेटिक और क्रिएटिव बंदे। सो अश्वथ हेगड़े बैंगलोर के रहने वाले हैं और उन्होंने एक कंपनी चलाते हैं जिसका नाम है एनवी ग्रीन। एनवी ग्रीन मीन्स बेसिकली ये एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बनाते हैं। सो अश्वथ ने देखा कि कितना कचरे का, जो हमारे देश में जितना फैलाव है, टनों से कचरा फेंक दिया जाता है, सड़ता रहता है, वो बायोडिग्रेडेबल नहीं होता है, ना समुद्र में गलता है, ना धरती में जाके फंस जाता है। गाय, कई सारे पशु उसे खा लेते हैं तो भी उनका नुकसान ही नुकसान होता है, उनकी डेथ भी हो जाती है। अब इसका सॉल्यूशन उन्होंने क्या निकाला? तो उन्होंने सोचा क्यों ना एक ऐसा प्लास्टिक बैग या ऐसी प्लास्टिक की थैली बनाई जाए या ऐसे प्लास्टिक कैरी बैग्स बनाए जाए कि जो इस्तेमाल के बाद अगर आप जमीन पे फेंक दें तो वो जमीन में घुल जाए, यानी कि पानी की तरह, जैसे पानी आप जमीन पे डोलते हैं तो जमीन उसे पी जाती है। अगर इस तरह का एक एनवायरमेंट फ्रेंडली एक प्लास्टिक बैग बनाया जाए तो कैसा रहेगा? अब उन्होंने किया कैसे, उन्होंने क्या किया कि जो वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं, वेजिटेबल वेस्ट होते हैं, साबुदाना स्टार्च, कई लोगों की मदद से, उनकी एक टीम है साइंटिस्ट और उनके फ्रेंड्स के साथ मिलके, उन्होंने पहले तो कंपोनेंट्स यानी कि उसको बनाया कैसे, उसके इंग्रेडिएंट्स ढूंढे, फैक्ट्री में उसे बनाना शुरू किया और उन्होंने एक ऐसा प्लास्टिक बैग बनाया जिससे कि अगर आप पानी में घुलें तो वो घुल जाएगा। उसमें आप कुछ भी सामान लें, किसी भी प्रकार का सामान लें, उसे कैरी करें, उसके बाद उसे कहीं भी फेंक दें तो वो धरती में जाके पॉल्यूशन नहीं पैदा करेगा, मिक्स हो जाएगा यानी बायोडिग्रेडेड हो जाएगा, टूट के बिखर जाएगा। अब सोचिए दोस्तों, कचरे में इतना क्रिएटिव आइडिया ढूंढना, क्या ये अपने आप में क्रिएटिविटी नहीं है? सो मैं आप लोगों को यही समझाना चाहता हूँ कि बिजनेस हो, कोई सा भी काम हो, अपने आसपास खूब देखिए, आपको कोई ना कोई क्रिएटिव आइडिया जरूर मिल जाएगा, व्यापार का, बिजनेस का, या वो काम जो आप दिल से करना चाहते हो। अब उसका कॉस्ट क्या है? उसका कॉस्ट है 2.5 रुपए, यानी 2.5 रुपए का एक प्लास्टिक बैग। अब सोचिए, अगर आप इस तरह के बैग्स यूज करेंगे और अगर इस तरह के डेली बैग्स अपने आप रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं तो आप कितना कितना कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे कचरा कम करने में। अगर एक घर से इतना कचरा कम जाएगा या ऐसा प्लास्टिक वेस्ट जाएगा कि जिसे आप कहीं भी फेंक दें तो वो जो है पॉल्यूशन ना क्रिएट करे, वो डिसॉल्व हो जाए, वो बायोडिग्रेडेड यानी इतर बितर हो जाए, तो सोचिए आप कितना देश का भला करेंगे। मेरा तो अभी मानना है दोस्तों, हमें अगर हम इसे क्रिएटिव कोई काम ना कर सके तो जो कर रहे हैं उन्हें सपोर्ट करें, उनके प्रोडक्ट्स को खरीदें। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें एडिबल कटलरी के बारे में मैंने आपको बताया था कि ऐसे बर्तन जिनमें खाना खाइए और उनको भी खा जाइए, या अगर आप उन्हें फेंक भी दें तो वो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। मैं हमेशा से यही कहता हूँ दोस्तों, सीखिए ऐसे लोगों से, मैं सीखता हूँ, आप भी सीखिए और कुछ क्रिएटिव कीजिए। अगर आप एनवी ग्रीन के प्रोडक्ट्स खरीदना चाहते हैं तो उनकी वेबसाइट पे जाइए, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। एनवी ग्रीन पे जाके आप ऑनलाइन भी उन्हें परचेस कर सकते हैं और सीखिए कि हम ऐसा क्यों ना काम करें कि उससे हमें भी फायदा हो, आम इंसान को भी फायदा हो, पर्यावरण के लिए भी अच्छा और देश के लिए भी अच्छा हो। ये प्रगति की राह में एक बहुत अच्छा कदम है। सो आई होप कि ये जो वीडियो आज मैंने बनाया है इससे आपको कुछ इंस्पिरेशन मिलेगा, एंड ये इंस्पिरेशन देकर मैं ये चाहता हूँ कि बहुत जल्दी आप लोग भी कुछ क्रिएटिव काम करें, कुछ बड़ा करें, सिर्फ अपना नहीं आम जनता का भी भला करें और देश का भी भला करें। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो कहीं ना कहीं आपको मोटिवेट कर पाएगा।
इस बार के लिए इतना ही, बहुत जल्दी मिलते हैं अगले फिर किसी वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड जय माधव। और हाँ, कोरोना से या किसी भी बीमारी से या किसी प्रकार के पेंडेमिक से मत घबराइए। आदमी की डेथ तभी होगी जब ऊपर वाले ने तय की है, उससे पहले नहीं होगी। और जब गुनाह है तो उसे कोई रोक नहीं सकेगा। इसलिए जो भी चुनौती आती है उसका सामना कीजिए, ग्रोथ कभी नहीं रुकनी चाहिए। ओके, तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड जय माता।